नमस्कार। जिंदगी जीने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है, हवा, पानी और खुराक। अब इन तीनों में अगर हवा थोड़े समय भी, दो मिनट भी अगर ना मिले तो इंसान खत्म हो जाएगा। एक हारमोनियम आप बजाइए, उसमें जो हवा भरते हैं वो हाथ से, उसमें अगर जरा भी कहीं खड्डा हो जाए तो हवा पूरी आएगी ही नहीं, हारमोनियम बजेगा ही नहीं। तो ज़रूरी है, हो जाता है कि हम ये ध्यान दें कि किस तरह हमारी सांसें सही ढंग से चलें। हमें सोचना पड़ेगा कैसे सांस लेना, कैसे सांसों में अगर तकलीफ हो तो उसको इमीडिएटली हटाना, और कैसे एक स्वस्थ जीवन जीना। क्योंकि अगर हवा नहीं प्रॉपर सही ढंग से गई तो हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, एस्थमा, कोई भी रोग हो सकता है। और सबसे मेजर जो रोग होगा वो है एस्थमा। आपको पता है कि हमारे भारत में ही 35 करोड़ के लगभग लोग एस्थमा से पीड़ित हैं, और उसमें लगभग 4-5 लाख लोग मरते हैं। ज़रा सोचिए क्यों ऐसा होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि एस्थमा के लक्षण क्या है। अक्सर सांस भारी होना, जोर से सू सू की आवाज़ आना क्योंकि अटक गया है सांस, सांस की नलिका में सूजन आ जाती है, कफ का प्रोडक्शन और सूजन की ये मिलावट सांस को आने जाने में तकलीफ देने लगती है। तो इंसान काफ़ी घबराहट में रहता है और कोशिश करता रहता है कैसे ज़ोर से सांस लूँ। तो करता क्या है इंसान, अंदर लेता है सांस और छोड़ना उसको आता ही नहीं। इसलिए बहुत ही पहला कदम तो ये होगा कि सांस छोड़ना सीखें। हम जब छोड़ना सीखते हैं तो बात अलग हो जाती है। एक आदमी स्मोक रहा है, आजू बाजू बैठने वालों को अस्थमा हो रहा है क्योंकि उसकी तकलीफ सबको भोगनी पड़ती है, हवा में पोल्यूशन बढ़ रहा है। और आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है हर जगह कि अस्थमा के लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। हम पैदा ही हुए हैं वीक लंग्स लेके, सांस ही लंग्स जो हमारे हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं। फिर कोई ना कोई दवाओं की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, अमुक दवाएं सांस की नली को फुला देती है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। बहुत बार एलर्जी का कारण हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ आपके शरीर में गई और अस्थमा का अटैक शुरू हुआ, सांस लेने में तकलीफ ही हो रही है। तो अमुक तरह के खेल खेलना चाहिए, इतना सीरियस मत बनो जीवन में, कुछ करो अपनी सांस को सही चलाने के लिए। और यहाँ मैं छोटी छोटी बातें बताऊँगी, जैसे एक कैंडल को जलाया और फूंक मार के कैंडल को बुझाया। एक ग्लास कांच का लो, आधा पानी भरो उसमें और स्ट्रॉ डालो, और स्ट्रॉ डालकर फूंक मारो। तो फूंक मारेंगे तो बबल्स आएंगे, उसमें बुलबुले आएंगे ना, वो बुलबुलों को देखो, सरीखे बुलबुले आने चाहिए, डुड़ुप डुड़ुप। अगर अटक अटक के आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सांस भी अटक अटक के छोड़ रहे हो। एक नाक से, जो भी नाक खुली हो, एक नाक से सांस लीजिए और फिर मुंह से सांस छोड़िए और फिर सांस को रोक लीजिए थोड़ी देर। 10 बार ये करिए, अपने आप अटैक छूट जाएगा। बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं हैं जहां मैं ध्यान खींचना चाहूंगी। एक तो मैंने देखा है कि किसी को अस्थमा का अटैक आया है तो दूसरे को लगता है उसको इन्फेक्शन लगेगा। अस्थमा इन्फेक्शन के साथ कोई संबंध ही नहीं है उसका, इसलिए बिल्कुल सही रहे। दूसरी गलत धारणा है कि अस्थमा का व्यक्ति भागदौड़ नहीं कर सकता, कुछ कामकाज नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत। जब अटैक होता है तब वो व्यक्ति कुछ ना करे, लेकिन अटैक छूटने में 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। एक बार अटैक छूट जाए उसके बाद उसे दौड़ना चाहिए, उसको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, पहाड़ भी चढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और आसन तो करने ही चाहिए। अमुक आसन ज़रूर करो, तालासन, चक्रासन, you
तीसरा है योग मुद्रा, उष्ट्रासन, धनुर्वक्रासन, कैट पोज जिसको कहते हैं मार्जरासन, देखिए अस्थमा की बात आती है वो प्राणायाम बिल्कुल जरूरी है, मेन प्राणायाम है रेचक, शुद्ध प्राइमरी प्राणायाम। योगेंद्र प्राणायाम नंबर एक, योगेंद्र प्राणायाम नंबर दो, योगेंद्र प्राणायाम नंबर तीन, ये सारे प्राणायाम जब अटैक आ रहा है अगर ये आप प्राणायाम कर लोगे ना तो भी अटैक छूट जाता है। यहाँ से सांस लेना, रिब्स ऐसी बाहर और अंदर जानी चाहिए, बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। यहाँ से सांस लेना बंद करें, यहाँ से लेना शुरू करें, पेट से लें तो अटैक हट जाएगा। आपके कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न आए हैं हम जरूर उसका जवाब देते रहेंगे, आप प्रश्न पूछते रहिए, जवाब मिलते रहेंगे। बस तो नमस्कार।